अनारो ने की गंगा देवी के साथ मिलकर निमकी को फंसाने की साजिश। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। शो की शुरुआत होती है जहां पर अभिमन्यु बाबू निमकी के सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहीं गंगा देवी के पास शुक्ला का फ़ोन आता है और वो उसे धमकाता है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लड़कियों वाली बात क्यों की, इससे हम लोग फंस सकते हैं। आपके बारे में मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए आप कितनी घटिया इंसान हैं। आप खुद तो डूबेंगी और मुझे भी फंसा के जाएंगी। जब आपका नाम उछलेगा तो मेरा नाम तो आना तय है। गंगा देवी शुक्ला को समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, निमकी के लिए मैंने जाल बुन लिया है, उसे किस तरीके से उस जाल में फंसाना ये सब कुछ मैंने सोच रखा है, हमें कुछ भी नहीं होने वाला है, सीएम के पद से अब मैं उसे उतार के ही रहूँगी। अब गंगा देवी बैठी होती है तभी उसे आवाज़ सुनाई दे रही होती है अनारो देवी की। अनारो देवी गंगा देवी के घर में घुसने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उसे गंगा देवी के गार्ड्स ने पकड़ रखा होता है। वहाँ पर गंगा देवी आती है और अनारो को छोड़ने के लिए गार्ड से कहती है। अनारो कहती है कैसे नौकर चाकर आपने रखा, मैं इतने देर से इन लोगों से बोल रही हूँ कि मैं आपकी सहेली हूँ, इन्हें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अब गंगा देवी अनारो को शांत करती है और ले जाके बैठाती है, पूछती है यहाँ पर कैसे आना हुआ, क्यों आप मुझसे मिलना चाहती थी। जिस पर अनारो कहती है वो निमकिया जो है ना उसने मेरे बब्बू को मारा है, मेरे बब्बू ने मेरी गोद में ही अपना दम तोड़ा और किसी और लड़के को मेरा बब्बू बना के मेरे सामने लेते आई है, मैं इतनी पागल हूँ क्या जो अपने बेटे को नहीं पहचानूंगी, अपने बब्बू को नहीं पहचानूंगी, क्या आप बता सकती हो मेरे मलिकार कहाँ पर हैं। गंगा देवी कहती है हाँ आपके मलिकार तो जेल में हैं, जो पाप निमकी ने किया था वो अपना पाप आपके मलिकार पर डाल दिए, उसी की सजा भुगत रहे हैं आपके मलिकार। अनारो कहती है मैं निमकी को बर्बाद कर दूंगी, बस आप मेरे मलिकार को छुड़वा दो जेल से, बाकी मैं निमकी को छोड़ूंगी नहीं, उसने जो किया है उसकी सजा उसको मैं दिला के रहूंगी। गंगा देवी कहती है ठीक है मैं आपके मलिकार को छुड़ा दूंगी, बस आपको करना क्या है इस पेपर को ले जाके निमकी के घर में छिपा देना है और जो मैं आपसे कहूंगी बस आपको वही करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब अनारो देवी घर में नहीं होती है, ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं मिंटू दादी, वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर अनारो देवी आ जाती है, मिंटू पूछता है अम्मा तुम कहाँ चली गई थी, जिस पर बताती है अनारो देवी वो मंदिर गई थी, उसे पता चला है कि निमकी सीएम बनने वाली है इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करने गई थी। अनारो देवी कहती है बताओ वो विधायक के बड़े बंगले में रह रही है लेकिन उसने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि चलो वहाँ पर रहना। अनारो देवी के इस व्यवहार से मिंटू बड़ा आश्चर्यचकित होता, वो सोचता है कि अम्मा इस तरीके से क्यों बर्ताव कर रही है मेरे साथ। गजवाली को भी थोड़ा शक होता है अनारो देवी पर। वहीं सीरियल में आगे दिखाया गया जहां निमकी के पास सभी रिपोर्टर्स आते हैं और निमकी का इंटरव्यू लेते हैं कि वो सीएम बनने के बाद से क्या करना चाहती हैं, पहला काम उनका क्या होगा। अब मीडिया सवाल करती है निमकी से और जवाब देता है नाहर सिंह, क्योंकि नाहर सिंह को निमकी ने सारी कुछ रटाया होता है कि क्या उसे मीडिया के सामने बोलना है। तभी मीडिया निमकी से सवाल पूछती है जो लड़कियों का पर्दा आपने फाश किया है और जो लड़कियां उस रैकेट में फंसी हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से इस कुप्रथा को रोकने में काम करेंगी। जिस पर निमकी कहती है नहीं मैंने तो कोई भी रैकेट नहीं फाश किया है, हाँ मैं उन लोगों के लिए कुछ ज़रूर करूँगी। प्रेस बोलता है कि मुझे तो पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है विश्वसनीय सूत्रों द्वारा कि आपने ही वो गैंग का पर्दाफाश किया। निमकी कहती है नहीं आपको गलत खबर मिली है। अब महुआ ये सुनकर अपसेट हो जाती है और जाके वो कमरे में बैठ जाती है। टुन्ने और निमकी दोनों ही महुआ के पास जाते हैं और कहते हैं क्या हो गया क्यों परेशान हो। महुआ कहती है कि तुमने दीदी बताया क्यों नहीं मीडिया को सब कुछ। निमकी महुआ को समझाती है वो प्रेस में कुछ नहीं कह सकती थी, अगर मीडिया ने ये खबर बाहर निकाल दी तो गंगा देवी अलर्ट हो जाएगी। वहीं गंगा देवी काफ़ी खुश होती है, मिश्रा उससे पूछता है खुशी का राज, जिस पे गंगा देवी बताती है कि अब निमकी के घर में वो सारे सबूत पहुंचवा दूंगी जो वो रैकेट
चलाती इसको प्रूफ कर सके। साथ ही उन लड़कियों से भी गवाही दिलवा दूंगी जो लापता हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनारो वो कागज़ घर में निमकी के छुपा रही होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।